एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव स्टडी इन द क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जांपल 3 दैट आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया वेरीफाई द रिजल्ट ए बी सी हुज वर्टाइसेस आर गिवन। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और एक लगाएंगे मीडियन। मीडियन हमने लगा दिया इस पॉइंट का, मान लो डी, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। तो ए पॉइंट हमें क्या दिया गया है 4-6, बी पॉइंट हमें क्या दिया गया है 3-2 एंड सी पॉइंट हमें क्या दिया गया 5-2। हमने क्या निकालना है, हमने सबसे पहले डी पॉइंट निकालना है। डी पॉइंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्या है मीडियन है, दोनों को हम ऐड करेंगे x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 और निकल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x1 कौन सा है, ये y1 ये, x2 ये, y2 ये, वैल्यू पुट करेंगे और d के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 5/2 2 - 2 + 2 ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.anything क्या होता है 0 होता है। ये यहाँ पर 8/2 क्या आ जाएगा 4.0 हमारे पास आ गया d का। तो हमने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों ट्रायंगलों का क्या है इक्वल एरिया है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा किस ट्रायंगल का, ए बी डी का हम एरिया निकालेंगे। ए पॉइंट हमारे पास क्या है 4-6, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 3-2 एंड डी पॉइंट हमारे पास क्या है 4-0। अब एरिया निकालने के लिए ए बी डी का हमें पता है ये x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3, फॉर्मूला में पता ही है, इसमें हम करेंगे पुट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, x1 हमारे पास क्या है 4, y2 हमारे पास क्या है -2 0, x2 y3 -y1, x2 हमारे पास क्या है 3 0 -6 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 4, x3 क्या हमारे पास 4 है -6 माइनस ये आ जाएगा। इसका निकालेंगे अब हम सॉल्यूशन 1/2 4 × -2 क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 × ये -- प्लस हो जाएगा 3 × 6 क्या आ जाएगा 18 ये हो जाएगा -- प्लस -6 प्लस 2 -4 -4 × 4 क्या आ गया -16। अब वो यहाँ -- हो जाएंगे प्लस 24 हो गया, ये हो गया 18, तो क्या आ गया -6/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा -3 स्क्वायर यूनिट। हमें एक बात पता है कि कभी भी एरिया इस माइनस में नहीं हो सकता, तो इस माइनस के साइन को हम हटा देंगे, एरिया क्या हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो वैसे ही हम निकालेंगे ए सी डी का ट्रायंगल का एरिया और दोनों को हम करेंगे कंपैरिजन, दोनों का ट्रायंगल का एरिया 3-3 आ गया, तो यस हमने वेरीफाई कर दिया है, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हो पाया। अब हम एरिया निकालेंगे ए डी सी का, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 और ये वाली सारी वैल्यू हम इसमें करेंगे पुट और निकालेंगे एरिया 1/2, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 एंड y2 की वैल्यू क्या है 0 एंड y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है 4 2 - -6, वैसे ही x3 की वैल्यू क्या है 5 - 6 - 0। तो इसका करेंगे अब हम सॉल्यूशन 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये -2 का आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 + 4 ये हो जाएगा -, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 8 + 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 - 0, तो क्या आ जाएगा -6 1/2 - 8 32 - 30 30 + 8 क्या आ जाएगा -38 - 32 क्या आ जाएगा 1/2 - 6 तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3 स्क्वायर यूनिट एरिया। जो एरिया होता है वो क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, दोनों का एरिया क्या था इक्वल था, तो हमने वो थ्योरम प्रूव कर दी। अब इसे लिखेंगे कैसे, मीडियन ए डी हैज़ डिवाइडेड ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, यही हमने करना था प्रूफ।